संत कबीर नगर जिले में वार्ड नंबर 11 के जिला पंचायत सदस्य और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गौहर अली खान के ऊपर खाद्यान्न के मामले में दर्ज हुई FIR को लेकर सपाइयों में जमकर नाराजगी दिखाई। सपा जिला अध्यक्ष गौहर अली खान के ऊपर दर्ज मुकदमे को हटाने की मांग को लेकर नाराज सपाइयों ने जिला उपाध्यक्ष KD यादव के नेतृत्व में आज खलीलाबाद कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर जमकर सपाइयों ने मोदी और योगी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रभारी DM को सौंपा है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 19 के जिला पंचायत सदस्य बलराम यादव को सपा ने जिला पंचायत का अध्यक्ष प्रत्याशी बना दिया है और उनकी जीत भी निश्चित हो चुकी है, जबकि जिले में भाजपा पार्टी से सिर्फ 3 जिला पंचायत सदस्य विजयी हुए हैं। और ऐसे में पहले प्रशासन ने बलराम यादव और फिर सपा जिला अध्यक्ष और वार्ड नंबर 11 के जिला पंचायत सदस्य गौहर अली खां को प्रताड़ित करने के लिए प्रशासन ने फर्जी तरीके से खाद्यान्न मामले में मुकदमा दर्ज करा दिया है और सपाइयों में जमकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं नाराज सपाइयों ने सपा जिला अध्यक्ष के ऊपर दर्ज फर्जी मुकदमे को हटाने की मांग की है। आज हम लोगों के जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के गौहर अली साहब के ऊपर फर्जी मुकदमा लगा करके उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया गया था, क्योंकि वो जिला पंचायत सदस्य भी हैं और सदस्य होने के नाते प्रशासन ये चाह रहा है कि जिला अध्यक्ष को अगर हम दबा ले जाएंगे तो समाजवादी पार्टी डर जाएगी और हम जिला पंचायत अध्यक्ष को जीत लेंगे भाजपा के लोग सोच रहे हैं। उसी के संबंध में हम लोग ज्ञापन दिए हैं, उसमें एक ज्ञापन में हमने बिंदुवार हम लोगों ने दिया है जिसमें ये कहा गया है कि जो फर्जी मुकदमे हमारे जिला पंचायत सदस्यों को डरा धमका करके उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और जिलाध्यक्ष के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया है और प्रशासन द्वारा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर के काम कर रहा है, हम लोग उसको चलने नहीं देंगे। और तीसरा यह भी कहा गया है कि जो हमारा जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में बलराम यादव जब पर्चा दाखिला करने आएंगे, अगर कहीं से भी इन लोगों ने जरा सा भी जोर जबरदस्ती करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी जनपद के पूरे कार्यकर्ता पूरा हुजूम लेकर के आएंगे तो अफरा तफरी जो भी मचेगी उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस नाते मैंने पहले ही चेतावनी दे दिया गया है और यह भी कहा गया है आने वाले वक्त में अगर जो हमारे जो पत्रकार महोदय हैं इनको इनकी निगरानी में अंदर जा कर के जो भी वोटिंग हो या पर्चा दाखिला हो सब इनकी निगरानी में हो, जिससे सारी बात बाहर जनता के बीच में रखने का काम करेंगे पत्रकार। ये सारी मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने इनको ज्ञापन दिया। अगर मुकदमा नहीं हटेगा तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। समाजवादी डरने वाला नहीं है, समाजवादी पार्टी अपने मेहनत और संघर्षों के बदौलत उसकी पहचान होती है। और यह भी कहना चाहते हैं चूंकि इस नाते कि आज 3 सीट समाजवादी भारतीय जनता पार्टी जीती है सदस्य का और आज जिला पंचायत सदस्य और जिला और ब्लॉक प्रमुख जिला क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधान में आप पूरे प्रदेश में पता कर लेना कि समाजवादियों ने सबसे ज़्यादा सीट निकाली है। इस नाते डर गए हैं, ये चाहते हैं प्रशासन के दबाव में ले आ करके इसे हम लोग का नाम है कि अपनी जीत हासिल कर लें। ये लिमिटेड वोटों का मामला है लेकिन हम लोग इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।